For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. बद्री कहाँ निकल पड़े साहब जी? जोरू को मिलने के लिए गांव जा रहा हूँ जी। जोरू को मिलने के लिए बार बार गांव क्यों जा रहे हो? उसे लाकर यहाँ क्यों नहीं रखते? ओ, मैका छोड़ के यहाँ आना नहीं चाहती साहब जी। अच्छा, हाँ जी। गठरी में क्या है? कुछ दाल चावल है जी। अच्छा, जा जा। आयो राम चरण। गुड मॉर्निंग सर। वो हरा घड़ा देना भैया। ए, घड़ी घड़ी क्या कर रही हो? देखिए ना, वो हरा घड़ा निकाल के दो। ये सब काम अपने लाडले देवर से क्यों नहीं करवाती? कहाँ है वो? बेचारा रात भर दोस्त के घर पर पढ़ाई करके थका मंदा सो रहा है। तेरा देवर पढ़ाई करके आया है, रात को सिनेमा थिएटर में देखा था,
कह रहा था हवलदार जी बहुत भीड़ है, दो टिकट दिलवा दो। चल भाग, क्या क्या ऑटो में बिठा कर भेजा था, आया कि नहीं? आ गया, बेचारा रात के 2 बजे आया था। 2 बजे? हाँ। यानी ब्लैक में टिकट लेकर फिल्म देख कर ही आया है। कहाँ है वो? पैर पे गिर पड़े तो भी आज उसे नहीं छोड़ूंगा। ए, कहाँ है तू? प्रभु। महाप्रभु आओ बच्चा आओ, बालिके सौभाग्यवती भव। स्वामी जी आप इस तरह हवा में लटक क्यों रहे हैं? हम लटक नहीं रहे बालक, गलती से मनुष्य का अवतार लिए हुए तेरे अनुज ने कठिन तपस्या करके इस हवा आसन की सिद्धि पाई है। आप कब कैलाश चढ़ेंगे? चढ़ेंगे नहीं, उतरेंगे। क्यों स्वामी जी, ये पिछले 20 वर्षों से हेड कांस्टेबल ही हैं, इनका प्रमोशन नहीं होगा क्या? ये विधि का विधान है, छोटे भाई को पीड़ित करने वाले को प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये डगल वेद में लिखा है। आपको मैंने कैसे पीड़ित किया? तुझसे एक स्पोर्ट्स शू की मांग की थी, पूरी की तूने? शू तो लाया हूँ, मगर क्या फायदा? क्यों? हवा में चलने वालों को पग रक्षा किस लिए? भक्त जो भी अर्पण करता है हम अवश्य स्वीकार करेंगे। दे दो, दे दो बालक, दे दो। छोड़ छोड़ मूर्ख बालक, हम तुम्हें श्राप दे देंगे काशीनाथ। अच्छा, बत्ती जला, जला बत्ती। बालिके इसे जा। फालतू कामों में इतनी बुद्धि दिखाते हो, ये पढ़ाई में क्यों नहीं दिखाते? पढ़ाई में मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्या? सिर्फ कल रात को एक फिल्म देखने गया था बस। मगर ड्यूटी से आते ही मुझ पर गरम हो जाओगे जानता था, इसीलिए स्वामी जी बनके मैंने तुम्हें ठंडा कर दिया। क्यों रे? मैंने तुझे फिल्म देखने के लिए कभी मना किया है? बस इतना कहा है कि नींद खराब करके नाइट शो मत देखा करो। इवनिंग शो देखने क्यों नहीं गया? इवनिंग शो की टिकट कहाँ मिली? वो जुरासिक पार्क है, धाकड़ फिल्म, फर्स्ट डे कोई देखूंगा, कसम खाई थी, तभी तो तोड़फोड़ करके देख के आया। एक मामूली फिल्म के लिए इतना आवेश क्यों? क्यों इतना आवेश? प्रभु कितनी बार कहा है तुझसे, आवेश हो या दुख हो, गुस्सा हो या खुशी, अपनी भावनाओं को 5 मिनट तक रोके रखो। उन 5 मिनटों में मन शांत हो जाएगा और शांत मन से लेने वाला हर एक फैसला अच्छा ही होगा। तुम 5 मिनट की बात करते हो भैया, अब 1 मिनट भी देर हुई तो मुझे लेडीज बस में घुस के जाना पड़ेगा। टिक्की मोटी लगेगी। मॉम्स मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बाय। Thank you.
कॉलेज का चेयरमैन स्ट्राइक कब करना है मैं बताऊंगा। ये स्टूडेंट स्ट्राइक नहीं है चेयरमैन, टीचर स्ट्राइक है। तनख्वाह बढ़वाने के लिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ओके टुडे जू, जोड़ी बनके पेड़ के नीचे बैठ जाओ, पार्क में या बीच में जाना है तो जाओ, फिल्म देखना है तो मैटनी शो में जाके बैठ जाओ। चल कामनी, हम दोनों फिल्म देखने चलते हैं। तो फिर मैं जाके भीख मांग। वेट 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 वेट, सब बैठ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। दामू भैया तू जाके गेट बंद कर। क्यों भैया? पिछले हफ्ते इलेक्शन के बहाने कॉलेज की सारी दीवारों पे पेंट से लिखकर और पोस्टर चिपकाकर गंदा कर दिया। साफ करने के लिए कहा, किसी ने नहीं सुनी। आज हम सफाई का काम करेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो। ए, चलो, हम लोग यह फालतू काम नहीं करेंगे। ए प्रभु, पप्पू चुपके से खिसक रहा है। कौन रे? अरे वही टाइगर पप्पू, चेयरमैन पोस्ट के लिए तुमसे इलेक्शन लड़ा था ना, वही पप्पू, वहां देख। अरे चलो। हाँ हाँ चलो सर। आया बड़ा सुरमा, उसका कहना मानने के लिए मैं क्या उसके बाप का नौकर हूँ? चलो। हेलो, क्या यहाँ सब काम कर रहे हैं ना? तुम लोग जाओगे तो कैसा चलेगा? आगे सफाई करो। क्यों बे, छोकरे के सामने हीरो बन रहा है, जाके अपना काम कर। देख पप्पू, अगर तुम लोग बाहर जाओगे तो तुम्हें देखकर सभी जाएंगे। हमारी यूनिटी मत तोड़, आके हाथ बटाओ। इन बच्चों के सामने चेयरमैन बन, मेरे सामने नहीं। चल फट फट। ए, क्या मुझ पर हाथ लगाता? फिर से लगाना, फिर से लगाना, फिर से लगा दे। क्यों रे, बड़ा जैकी चैन पोस्ट मारता है मेरे सामने? मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, जानता नहीं क्या? नहीं पप्पू, मुझे मारपीट में कोई दिलचस्पी नहीं, कहना मानो। क्या कहा? मारपीट? तू मुझे मारेगा? मरेगा। Oh, my God.
जाके तो आराम कर ला। कल उस खिड़की वाले को सिग्नल दिया, आज इधर वाले को सिग्नल दे रहा है। वो बिप्लव थी भाई, ये बिब्बा। क्या बिप्लव बिब्बा क्या मतलब? तू भी कोई आर्ट्स कॉलेज स्टूडेंट है, तू केजी का भी लायक नहीं है। सुन, छोकरियां तीन किस्म की होती है, जिल जंग झक। क्या कहा? जिल जंग झक। हाँ, जो श्रीदेवी की तरह हाई क्लास है वो जिल, जो थोड़ी बहुत शक्ल सूरत से ठीक है वो जंग, जो बेकार है वो झक। छोकरी लोग बदन के हिसाब से भी तीन किस्म की होती है। नंबर वन पिप्पा, नंबर टू विफा, नंबर थ्री बिबलो। इसके अलावा भी एक क्वालिटी है, वो है नंबर छह। ए, गांधीनगर थाने के सब इंस्पेक्टर की बेटी रोशनी है ना, नंबर वन पिप्पा है। उसके बारे में सोचता हूं तो टेंशन शुरू हो जाती है। काश ये कमरा मेरा होता, जिसको लाइन मारना नहीं आता उसके सामने लड़की है। क्यों रे प्रभु, बाकी सब कला में तो तू माहिर है, लेकिन लाइन मारने की कला में क्यों कमजोर है? ऐसी लड़की ही नहीं मिली। सुंदरता वो है जिसे देखते ही अंदर से प्यार उमड़ आए, जिसके लिए मर मिटने को मन करे। न जाने मुझे वह हसीना कब मिलेगी, लेकिन कभी कभी सपनों में उसकी झलक दिखाई पड़ती है, उसके पायल पहने मुलायम पैर, झुमके से सजे हुए कान, नशीली आंखें, ये कौन है, कैसी है, कहां रहती है, कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं जानता। यही मेरे सपनों की रानी है। ये लगता है ये भी बिब्बा है। सॉरी फॉर द ब्रेक। प्रभु, कॉलेज डे फंक्शन के लिए राजा रंजीत सिंह जी को चीफ गेस्ट बनाना है। वो उग्रवादियों की हिट लिस्ट में है, इसलिए सिक्योरिटी से परमिशन लेकर उन्हें इनवाइट करने कल तुम उनके घर चले जाना। ओके सर। दो चश्मे। अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं है, बोल दिया। पैन उतारो प्रभु। अरे उतारो ना पैन। सत्यानाश जाओ। सर, एक बात कह सकता हूँ? बोलो। मैं मानता हूँ कि रंजीत सिंह जी राज परंपरा के हैं और पॉलिटिकल लेवल में बहुत बड़ी हस्ती हैं, पर मेरी तो इज्जत चली गई यहाँ आके। तो जाने दो। मेरा नसीब फूट गया है। अरे हटाओ, सौ बार मैंने कहा कि उनके घर पर कड़क सिक्योरिटी, मक्खी भी मुश्किल से घुसती है। अरे हम तो किस्मत वाले हैं, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उनसे मुलाकात कर पाएंगे। भाड़ में जाए। ए, अंजलि, ए, रुकना।
कहाँ जा रहे हो? दाईं तरफ मुड़ जाओ। I am Srivastav, physics professor, Government Arts College. Namaste. He is Mr. Prabhu, our student's chairman. And he is Vasant, joint secretary for culture. Baithiye. Thank baithiye. You. Thank you. Aapne college day function ka letter bheja tha na? Ji haan. Kab hai wo? Is mahine ki 24 tarikh se 30 tarikh ke andar aapki suvidha anusar. चौबीस के बाद हाँ 25 तारीख को रख लीजिए। ओके थैंक यू सर, मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स। मेरा दिल भी उलझ गया है तेरे सुल्फों के साथ साथ। वेलकम प्रजा साहब। आई एम चतुर्वेदी, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव यू सर। थैंक यू वेरी मच। एंड बाय द वे, मीट आवर स्टूडेंट्स चेयरमैन मिस्टर प्रभु। हेलो सर। ऑफ कोर्स वी हैव मेट अर्लियर इन माय हाउस। यस सर, वेलकम सर। Thank you, Mrs. Ranjit Singh, my daughter Shruti. Hi. Hi. Nice to meet you. Very nice to meet you. Our guest of honor, Raja Sahib, Ranjit Singh Rathaur, and our distinguished guests. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. And our distinguished guests, Mrs. Ranjit Singh and Miss Shruti, I take the privilege of. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. I take the privilege of welcoming you all for the college day function called GoFest. Thank you.
सुन रही सकी मेरी प्यारी सकी, ये दिल कहीं खोया है मेरा, जाने कहां इसे भूल गया, नहीं कुछ भी है मुझको पता। तेरे पायल में मैंने ढूंढ लिया तेरे कदमों तले सजनी, प्यार किया तो जान गया ये मुश्किल है कितनी, मेरी सांसों में तेरा प्यार बसा, आंखों में तुम ही सजनी। सुन रही सकी मेरी प्यारी सकी, ये दिल कहीं खोया है मेरा। इस दिल की तन में मन में इस धड़कन में हो रही हलचल सी, देखे बिना तुझे लगती है एक युग सी एक घड़ी, सब नजरें जो देख रही मेरे दिल में दहशत सी, ये स्वर्ग है या नरक है मुझको होश नहीं, मेरी जिंदगी और मौत है अब हाथ में तेरे ही। सुन रही सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा। तुझे गीत सुनाऊं मैं, नागमणि तेरी नागिन सी जुल्फों को सवारूं मैं, चंद्रमुखी तुझे नींद नहीं तो लोरी सुनाऊं मैं, ठंडी हवा नहीं लग जाए तुझे चुनरी उड़ाऊं मैं, मेरे प्यार की जो बात है दिल कहीं खोया है मेरा। तेरा सर फिर गया, किसी चपरासी की बेटी से कोई प्यार करे तो चक्कू छुरी चलने लगती है, और ये तो रंजीत सिंह की बेटी है। तेरे लिए चक्कू छुरी नहीं AK-47 आएगी। ए, VIP की बेटी हो या खलासी की बेटी, प्यार के दुश्मन सब जगह है, उनसे टक्कर लेनी ही पड़ती है। प्यार के लिए क्या चाहिए, कलेजा, और हम जैसे सड़क छापों के पास कलेजे के सिवा और क्या है, बोलो बोलो। सपना भी अपनी औकात से देखना चाहिए, देखा उस लड़की को, ब्रांड न्यू बेंज कार की तरह चमकती है, और इसे देखो, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं, चबा के थूके हुए चिंगम जैसा। प्यार मोहब्बत के लिए पर्सनालिटी भी चाहिए। अबे चुप, पर्सनालिटी क्या पर्सनालिटी, प्यार मोहब्बत के लिए पर्सनालिटी की नहीं मन की जरूरत है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी के होते हुए मैं कितना परेशान हूँ तुम लोग कोई जानते हो? सुनो, तुम लोगों को यह गलत फहमी है कि सलमान या शाहरुख जैसे लोगों के साथ ही लड़कियां पटती हैं। शोल्डर बैग और सोडा बोतल का चश्मा पहने तोबले बिगड़े हुए एक एक लौंडे घूमते हैं ना लड़कियों के साथ लेके, उसकी वजह क्या है, उनके पास आइटम है। प्रभु तेरे पास आइटम है तो बस कोई भी लड़की पटेगी। भैया ये कौवे का बच्चा तुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसकी मत। कौवे का बच्चा, उधर देख, उन लहरों से मिट्टी का किला ढह गया, इसका क्या मतलब, इसी तरह कल तेरा प्यार भी ढह जाएगा। ए, क्या डायरेक्टर बन रहा है, चल फुट चासी। थू, ए, तू उस बच्चे को देख रहा है, मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, आधे घंटे से उस केकड़े के पीछे पड़ा है,
उसका पूरा ध्यान उस पर ही लगा है। उसे वो केकड़ा जरूर मिल जाएगा, पकड़े भी ना छोड़ेगा नहीं। ये हुई ना बात, हिम्मत है मर्दास, मदद खुदा। अरे बाप रे बाप, प्रभु तेरी वो, अरे वही बंगले वाली, उसे ढूंढ के उसके बारे में जानकारी करते करते धूप में घूम घूम के कान से धुआं निकलने लगा। नाम है श्रुति, उसके बाप का नाम रंजीत सिंह राठौर और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी। इकलौती बेटी है, उम्र 20 साल, साइज 35-25-35, सुंदरता में तो मैडोना है वो। कॉलेज स्टेला, बीएससी होम साइंस, लेडीज कॉलेज, मर्दों को पास फटकने नहीं देते, वॉचमैन तक औरत है। और फिर सवेरे योगा क्लास में जाती है, वहाँ भी जेंट्स नॉट अलाउड। शाम को 4 बजे नाट्यालय डांस क्लास भी जाती है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में एक्सपर्ट। शाम को 6 बजे बंगले में घुस गई तो फिर सुबह ही बाहर निकलती है वो। बंगले में 100-150 पुलिस वाले हैं, 4-6 कुत्ते हैं, वहाँ मक्खी तक अंदर घुस नहीं सकती। इतना ही नहीं, उसके साथ 2 कमांडो हमेशा पर्सनल सिक्योरिटी बन के रहते हैं दुम की तरह। जितना भी मैं जानता हूँ तेरे सामने रख दिया, इन सब दीवारों के होते हुए तू उससे कैसे मिलेगा और प्यार कैसे करेगा? मुश्किल है। मुश्किल तो है। कोई मुश्किल नहीं, शाम को 4 से 6 तक नाट्यालय। मुझे पहचाना? पहचाने के कैसे नहीं, तूने तो इनके दिल को छू लिया है ना। जू जू, ये मजाक कर रहा है, आदत से मजबूर, मेरा दोस्त है कालू राम। नो, आई एम वसंत। कल ही हमने ज्वाइन किया इस नाट्यालय में, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांस यू सी, लेकिन कभी नहीं सोचा यहाँ के आपसे मुलाकात होगी। वी आर वेरी लकी यू सी, वी आर अप्रेंटिस। डांस के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करनी चाहिए तो मैडम आपसे ही पूछ लेंगे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हो गए ना। यू सी, यहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उनसे पूछ लीजिए। ड्राइवर चलो। ओह, आपकी गाड़ी है? मारुति 1000 जी का मतलब गवर्नमेंट 9999 VIP नंबर। क्या बता सकते हैं सौ में कितने नौ है? किस लिए? जोड़ने के लिए। जो जो, ये एक साइकोलॉजिकल साइंस है, बताइए ना। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 10. सौ में 11 9 है। रॉन्ग। व्हाट, बस 11 तो है। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, सौ में पूरे 20 नौ है। ड्राइवर चलो। हेलो मैडम, और भी हमारे पास कई जोक्स हैं, सरदार जी के जोक्स, पार्टी जोक्स, मिडनाइट जोक्स, सब कुछ है, सब कुछ बता दिया करेंगे, अपनी सहेलियों को भी बता दीजिएगा, अच्छी तरह वर्कआउट करेंगे हम। हेलो हेलो, ये क्या गाड़ी बदल दी? प्रीमियर पद्मिनी 1111, 9 नंबर एकदम कुल, लगता है 9 नंबर ने आपको बहुत परेशान किया। ए, लगता है आज टीचर नहीं आई है। तो हम किस लिए हैं, आज हम ही कुछ कमाल दिखाएंगे। आओ मेरे बांसुरी वाला, आओ
गधे, ऐसे मुंह खोल के बैठा रहेगा तो उसे पटाएगा कैसे? कुछ हंगामा करके उसे अपनी तरफ खींचना है ना। ए, नजदीक जाते ही गर्म हो जाती है। उसकी गर्मी उतारने की दवा है मेरे पास। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ नाट्यालय, आई एम वसंत। उस देवी जी का डांस कैसा है? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट? ये तमाशा जेट की तरह दुनिया तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन ये जो डांस है पुरानी बैलगाड़ी की तरह है। दर्शकों को बोर करने के लिए लोग ये डांस करते क्यों हैं? दिस इज ओल्ड डांस, पुरानी बैलगाड़ी। नाउ इन आवर मॉडर्न टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट दिस ओल्ड बैलगाड़ी। इन माई एरिया चूना पट्टी, वहां की झोपड़पट्टी में हमने एक नया डांस इजाद किया है और वो है पट्टी रैप। What's पट्टी रैप? You know रगड़ा, रगड़म पट्टी, अमेरिकन रैप और लोकल रगड़ा मिक्स इन ए न्यू मेथड, दैट्स पट्टी रैप। पट्टी रैप? या 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 Bob Clearmountain mixed with attitude, funky drums from hell. Chuna patti, jopra patti, ragadam patti, patti rap. Patti rap. Patti rap. Patti rap. क्या है शाम क्या है फर्क नहीं कोई, भूल जाए गम सारे भूल जाए गम, गुस्सा आए तो थोड़ा रोक ले सनम। अरे गेट अप एंड डांस, यही तेरा चांस, तेरे ही हाथों में सब कुछ है रे। डबली बजा, पहला कौन पहला कौन, पहला 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 पट्टी रैप। रवा रेशन पाम ऑयल मिट्टी तेल गेहूं को, पूरे नहीं पैसे कभी बुरे नहीं, खाना तो आना गुल्लक को तोड़ के, चारा ना आठाना कर्जा वर्जा जोड़ के, खाना तो आना गुल्लक को तोड़ के, चारा ना आठाना कर्जा वर्जा जोड़ के, भांडा भांडा किरबी में डाल के, पांच दस पीक लेके पैसे नहीं पूरे पड़ते। झोंपड़ी कचरा पेटी बाजू में चाय ठेला रिक्शा पतंग धार वाला मांझा गिल्ली डंडा गोली गुच्ची फुद्दू गाना गाले आजा हाथी घोड़ा पालकी जयकर या लाल की कन्नू चाचा मुन्नी मौसी गोरी गजानंद धर्मेंद्र जितेंद्र अमिताभ आमिर खान दिन बिन रात वात ऑल शोज हॉज फॉर पट्टी रैप। पट्टी रैप। पट्टी रैप। पट्टी रैप। पट्टी रैप। कौन है? ये नाट्यालय है, नृत्य को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने वाला पवित्र मंदिर है ये। सड़कों पे करने वाली उछल कूद तुम इस मंदिर में कर रहे हो, ऐसा करते शर्म नहीं आती? भरतनाट्यम क्या है पता है तुम्हें? लुक
और 10 के हिसाब की तरह आसान नहीं है। 6 बरस की तपस्या का नतीजा है ये। तुम कर पाओगे? तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ, नहीं तो हम जैसे का अपमान भी मत करो। भरतनाट्यम परम पवित्र है, नौटंकी नहीं। अरे ये क्या, अपने नाम को सूली पे चढ़ा दिया? क्या बात है, क्या है सरा बता? कुछ भी नहीं। अरे दिखा ना। पर्सनल। क्या कहा, पर्सन? अजय मैं तेरा भाई हूं रे, दिखा मुझे, दिखा ना। पर्सनल। इतना पर्सनल है? जानकी मुझे 200 रुपए तो देना। लेपी। ये क्या शुरू कर दिया तुमने, बच्चे को बिगाड़ रहे हो? अरे चुप, इसे बचपन में सर्दी जुखाम के लिए थोड़ी सी ब्रांडी पिलाया करता था तो क्या बिगड़ गया? अरे नींबू नहीं निचोड़ा? उस थैली में 2 नींबू रखे, उसे काट के ला। अरे जाना। ए मुन्ना पी। नहीं भैया। शर्माती है तो मैं इस तरफ मुड़ जाता हूं, पी ले। चीज। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, भैया से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, घुट घुट आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आजा आजा बेटा, चुप 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 जा, रोती नहीं रोती नहीं। ये क्या छोटे बच्चों की तरह, मैं जो हूं ना। कौन है वो लड़की? श्रुति। अपने क्वार्टर वाली है? नहीं। साथ पढ़ती है? फिर? रंजीत सिंह। अच्छा तो रंजीत सिंह के घर में काम करती है वो? नहीं भैया। ओ, रंजीत सिंह के घर में काम करने वाली किसी की बेटी है? रंजीत सिंह की जान पहचान की कोई है? अरे ये क्या, कौन है बोलना? तो क्या रंजीत सिंह की बेटी को प्यार कर रहा है तू, बोल ना। हाँ भैया। क्या? हाँ भाई। तो जनाब रंजीत सिंह की बेटी को प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं, आखिर वो भी तो लड़की है। अरे अगर किसी लड़की को प्यार करो तो उसकी पसंद नापसंद जानना जरूरी है। श्रुति की पसंद क्या है? भरतनाट्यम। वो तू भी सीख ले, तू नौटंकी करने वाला नहीं, भरतनाट्यम भी कर सकता है, या उसे साबित कर दे, तब वो खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी। प्रभु क्या सोच रहा है, कब सीखेगा, कब उससे बात करेगा, कब कामयाब होगा? यही ना, कामयाब होगा, जरूर होगा। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, हर हाल में उसे पाना है ये मन में ठान ले तो कामयाबी अपने आप तेरे कदम चूमेगी। प्यार में वो दैविक शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना दे। Da 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 da
पंडित बहरा है, हम खुल के बात कर सकते हैं। अच्छा, पवित्र पवित्रो वह सर्वस्थांगतोपविवाहयः। बोलो शंकर स्वामी। पहले ये बताओ, तुमने जैसे करोड़ लिए तो उसका क्या हुआ? घर में संभाल के रखे। तुम्हारे घर में रखने के लिए ऐसे करोड़ नहीं दिए। देखो, हमारा देश कभी तरक्की ना करे, यहाँ खुशहाली ना रहे, शांति ना रहे। मैं जिनका एजेंट हूँ यही चाहते हैं। तुम्हें इसलिए पैसे दिए कि मजदूर लीडरों को खरीद के कारखाने बंद करवा दो, उन पैसों को हजम करके हमारा काम किए बिना यहाँ काशी में जग मानना हो। यूनियन लीडर्स को खरीदे बिना भी यह काम हो सकता है ना? किसान और मजदूर अपना काम बंद करेंगे तभी यह देश तबाह होगा। फैक्ट्री कब बंद होगी? कोई कर्मचारी काम पर ना है तब? कर्मचारी काम पर कब नहीं आएंगे? फैक्ट्री में जब बम फटेगा तब? यूनियन लीडर्स को खरीदने के बजाय बम फोड़ना नेक काम है ना? पिछले हफ्ते कपड़े की मिल में बम फटा और 200 मासूम लोग मारे गए। वो बम किसने रखवाया था? रंजीत सिंह ने, रंजीत सिंह राठौर ने। तुम ये क्या बोल रहे हो? 80 करोड़ रुपयों को यूनियन वालों में बांटने के लिए मेरी क्या मती मारी गई है? तुम्हें चाहिए इस देश की तबाही, तुम्हारा काम हो जाएगा, चलते बनो। मूर्ख, 200 लोगों की मौत, तुम अपने साथ मुझे ही नहीं मेरे मालिकों को भी फंसा दोगे। घबराओ मत, रंजीत सिंह राठौर बड़ी ऊंची हस्ती है, दुनिया की नजर में राजा, कोई शुभा नहीं करेगा मुझ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ समस्याओं की कौन सी कमी? किसी को दाल रोटी की समस्या है तो किसी को कपड़े और मकान की, बेटी के दहेज की समस्या है तो बेटे की पढ़ाई की समस्या, किसी को पैसे कमाने की समस्या है तो किसी को खर्च करने की समस्या। इस तरह समस्याओं से लड़ने वाली जनता के पास मुझ पर उंगली उठाने की फुर्सती कहाँ है? सुनो, सिर्फ रुपया कमाने के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले रहे हो, ये कोई शराफत है? रंजीत सिंह राठौड़ शरीफ आदमी है, मारने वाला भी कभी मरने वालों का पिंडदान करता है। बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वालों का मैं पिंडदान कर रहा हूँ, वो भी यहाँ काशी में। जाओ अपने मालिकों से कहो कि उनका काम हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी चिदंबरम में नाट्यांजलि समारोह होने वाला है। इस समारोह में दुनिया भर के नृत्य कलाकार इकट्ठा होकर नृत्य कला के ईश्वर नटराज को अंजलि अर्पण करते हैं। अपनी नाट्यालय की तरफ से कौन कौन क्या क्या प्रस्तुत करने वाला है? श्रुति, नल दमयंती, भक्त प्रहलाद, मैं मेघ संदेश करूंगी, रुद्र तांडव, वेरी गुड, वसंत तुम? कृष्ण की तरह अकेला फ्लूट बजाऊंगा मैडम। कृष्ण लीला करोगे? प्रभु तुम? मैंने कुछ और ही सोचा है मैडम, मैं पहली बार भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को जोड़कर कड़ी धूप में जैसे भिखारिन हाथ में छोटे बच्चे को लेके अपने बच्चे की पेट की आग बुझाने के वास्ते भीख मांगती है उसे नृत्य के रूप में दिखाऊंगा। वो नृत्य हमारी गरीबी और लाचारी को एक सही रूप में व्यक्त करने। मैडम, मैं चिदंबरम नहीं जाऊंगी। क्यों? पट्टी रैप करके नाट्यालय को अपवित्र किया वो काफी नहीं? अब ये नया तमाशा कुचिपुड़ी, कड़ी धूप, भिखारिन, नो नो, वहाँ चिदंबरम में हमारी नाक कट जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। श्रुति नहीं तो मैं भी नहीं चलूंगी। मैं भी नहीं। I'm also not coming, madam. Let us not go, यार। मैं भी नहीं चलूंगी। मैं भी नहीं। ये सब मेरे खिलाफ है, नहीं सोचा था। इन सबको अगर मेरी बात पसंद नहीं है तो मुझे छोड़िए, मैं चिदंबरम नहीं चलूंगा। डरता क्यों है? जादू टोना होगा। चुप। ओह जीसस।
नौटंकी वाला कहा था ना मुझे, नौटंकी वाला इस तरह नाच सकता है, बना सकते हो ऐसी तस्वीर? मैं लड़कियों के पीछे घूमने फिरने वाला कोई आवारा नहीं हूं। तुम महाराजा की बेटी हो, चपरासी की, इससे क्या? मन में बसी तस्वीर को सामने देखा तो दिल दे बैठा। मैं ना कहले में डांस सीखने नहीं आया था, सिर्फ तुम्हें देखने, मिलने और बात करने के लिए। तुम्हारे लिए भरतनाट्यम अनमोल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अनमोल हो तुम। तुम्हारा चेहरा मेरी नसों में दौड़ते एक कतरा खून में बस गया है, इसीलिए मैंने अपने खून से तुम्हारा चेहरा सजाया है। जिस नृत्य को सीखने के लिए तुम्हें 6 साल लगे, वो मैंने इतनी जल्दी सीख लिया तो उसकी वजह है प्रेम, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम। केस अवसर पर मैं डैडी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? चिदंबरम। चिदंबरम? हाँ डैडी, वहाँ के नटराज के मंदिर में कल नाट्यांजलि समारोह है, उसी के लिए जा रही हूँ। नो नो, कैंसिल द प्रोग्राम, यू आर नॉट गोइंग। बट व्हाई? हालात ठीक नहीं है बेटी, उग्रवादियों ने तहलका मचा रखा है, मौका मिलते ही वो तुम पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसी हालत में तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 40-50 पुलिस वालों का इंतजाम करना मुश्किल है। लुक, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट गोइंग। डैडी सब मेरी राह देख। तुम नहीं जाओगी, ओके? वो देखो श्रुति आ गई। हाय श्रुति। हाय। आओ श्रुति, देर क्यों लगा दी? मैं चिदंबरम नहीं आ रही मैडम। क्यों? पिताजी ने मना कर दिया। ओफो, तुम नहीं तो? कोई बात नहीं मैडम, अगले साल मैं जरूर चलूंगी, आप लोग जाइए। अब देख लिया मैडम, उस दिन तो लेट अस गो यार, नो यार बोल रहे थे, अब आपको यूं छोड़ के चले गए ना, सिर्फ हम ही हैं आपके रियल फ्रेंड्स। प्रभु, कल रात जो तुमने डांस किया, वाह, एक्सलेंट, वाकई इतने कम समय में रियली ग्रेट। ये लो। तुम्हारी काबिलियत पानी में या हवा में खो न जाए, इसीलिए फोटो ले ली। हाँ, नसीब तो देखो, तुम्हें जाने के लिए मना किया और खुद भी नहीं जा पाई। कल नाट्यांजलि है, अगर मैं जाती तो ये लगातार 7वां साल होता, मिस कर गई, क्या किया जाए। वाकई जाना चाहती हो? हाँ चाहती तो हूँ, पर कैसे? इफ यू डोंट माइंड, मेरी बाइक पे चलेंगे। बाइक? सिंपल, हम सीधे हाईवे पकड़ेंगे, महाबलीपुरम, पांडिचेरी, कडलूर, चिदंबरम, 5 घंटों का सफर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम तो तुम्हारा बाप है, उन्हें सॉरी बोल देना, ठीक हो जाएगा। तुम्हें सही सलामत चिदंबरम ले जाके अपने साथ वापस लाने का जिम्मा मेरा, हमारा है। ठीक है, इन कमांडोज का हम क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे गोबर गणेश, छोटा सा एक नींबू उनकी तरफ फेंक दो, खुद ही उलझ जाएंगे। कैसे? जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। पिताजी को फोन करके बोल दो कि मैं डांस प्रैक्टिस के बाद आऊंगी, तब तक तुम यहीं रहो। ओके? यस मैडम। मैडम आ गई, आ गई। कम ऑन, कम ऑन, सिट डाउन, सिट डाउन। जो ड्रेस पहनी सुंदर है ना? या। वो ड्रेस तुम्हें पसंद है? हाँ। चू।
जींस वाली झट। प्रभु वो गोबर गणेश आ रहे हैं, जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। यह है चिदंबरम का मंदिर, यह नृत्य मंडप है, नाट्यांजलि का समारोह यहीं पर होने वाला है। आपके कहने के मुताबिक यहीं मैंने बम रखा है। मजबूत पत्थरों से बनी इमारत है, सीमेंट बिल्डिंग नहीं, ये मत भूलना। यह बद्रीनाथ इतना बेवकूफ नहीं, मजबूती को ध्यान में रख के माल की क्वांटिटी बढ़ाया। फॉर्मूले का वजन 7.5 किलो, सिलिकॉन फ्यूज, RDX 800 बेस, नॉन डिटेक्टेबल, फुटा तो 25 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देगी, कम से कम 400 लोग आउट। कब फूटेगा? नृत्य मंडप में कल सुबह 9 बजे सारे कलाकार एक साथ मिलके वंदनम करेंगे। 10 बजे से अलग अलग कलाकार अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। 10:40 को ये बम फूटेगा। वेरी सिंपल। कमांडो अजय बोल रहा हूँ, हमें चकमा देकर आपकी बेटी 2 लड़कों के साथ शहर से बाहर जा रही है। किस तरफ? चिदंबरम की तरफ। माय गॉड, तुम लोग क्या वहां हजामत कर रहे थे? इडियट्स, लाइन में रहो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर, रुकिए, साहब ने आपको वापस बुलाया है। DSP से बात करो, कहो कि 2 लड़के मेरी बेटी को भगा ले गए, हर हाल में मेरी बेटी को वापस लाना है। नीचे उतर। ए प्रभु, जिंदगी में पहली बार एक चिकनी तेरी बाइक पर बैठी है, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? मेरे पास तो 3-3 है, चिदंबरम में मिलेंगे। ओके, ओली 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 ओली। निकाल दो। यू मीन RDX? हाँ भाई। क्यों? सवाल मत करो, निकाल दो। क्या मजाक कर रहे हैं? वो क्या कोई गुलदस्ता है जिसे यूं ही जाके मैं उठा लाऊं? बम है सर, 7.5 किलो का यमराज। बद्री, मेरी बेटी चिदंबरम गई हुई है, निकाल दो। What do you mean? रखना आसान है, निकालना बहुत ही मुश्किल। कोई गलती हुई तो पीस पीस हो जाऊंगा मैं। फिर काशी में रखते हैं ना वो चावल का गोला, उतना भी नहीं रह जाएगा। ये बद्री, I'm sorry। बद्री, तुम्हें चाहिए पैसे, निकालने के भी रुपए दूंगा, रखने के लिए जो दिया उससे दुगने रुपए दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर अभी दे दो। पैसे लेकर तुमने काम नहीं किया तो ठीक है, तुम भी चलो, दोनों मिलकर बम निकालते। अब मैं तुम्हारे लिए खुदा बन गया हूं, मुझ पर भरोसा करना ही होगा। खुदा अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं अभी आया। अरे चिदंबरम उस तरफ है। एक, अरे
एक घोचू, मुझे चिदंबरम में जाना है, गाड़ी घुमा जो उधर नीचे। अरे बीच में लटका दिया। इसे पकड़ो। अबे चल। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों साहब आप विनी हैं? कभी बाइक को आसमान में चलाए हो? कोशिश तो करो। पैसे थे वो बाइक रिपेयर करने में लगा दिए, अब क्या करें? ओफो, बहुत भूख लगी है, तुम कुछ करो ना प्रभु। ठहरो, मैं अभी आता हूं। डिनर तैयार है।
जिमीकंद, मूंगफली, चिड़िया के अंडे खा लो। तुम भी खाओ। अच्छा है। क्या हुआ? अरे वाह, सोचा था आज खाने में स्पेशल कुछ नहीं है। कोरमा बनाओ कि फ्राई करो? ची ची ची, इसे खाते हो? तुम एक बार आई लव यू बोलो तो इसे बिना पकाए कच्चा ही खा जाऊं। खाने को चुपचाप। श्रुति ये लो। अरे सो क्यूट, ये क्या है? पत्तों का ताजमहल जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। छोड़ रे, सो जा रहे। कहाँ? हाँ यहीं। यहाँ जमीन पे। उठो। क्यों? उठो ना। अरे जू, मेरी साड़ी का तुम क्या करने वाले हो? अरे यहाँ आके तो देखो। इस तरह कैसे आऊं? चू। फूलों जैसी प्यारी प्यारी महलों की रानी तू, झूले में झूलाऊं सो जा निंदिया की गोद में। नीले नीले बालों वाली, गोरे गोरे गालों वाली, मेरे लिए राज दुलारी, छोड़ी तूने दुनिया सारी। सपनों में आने वाली, निंदिया चुराने वाली, मीठे मीठे सपनों में सो जा प्यारी राजकुमारी। सोने का नाटक कर रहे हो? सो गए? कैसे सो रहे हो देखो, जैसे किसी बच्चे को दाढ़ी हो गई हो। ए, तुम्हें श्रुति पसंद है? उससे बहुत प्यार है? उसके लिए तुम कुछ भी करोगे? मुंह तो देखो बंदर, 5 किलो की हड्डियों को 2 मीटर चमड़े से लपेट रखा है, और तुमको तुमको रंजीत सिंह की बेटी चाहिए। सुंदर ताजमहल है ये, तुमने खाना भी प्यार से खिलाया, चिड़ियों के अंडे, मूंगफली, जिमीकंद, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। ऐसे खुली हवा में आजादी से मैं कभी नहीं रही। मेरी माँ ने भी कभी मेरा इतना ख्याल नहीं किया, तुमने क्या कुछ नहीं किया। ये सब मेरे लिए ही ना, चिदंबरम पहुंचाने के लिए ही ना। तुमसे मैं आई लव यू बोलूं इसीलिए ना? मैं नहीं बोलूंगी। कल चिदंबरम में डांस पूरा करने के बाद वापस जाने से पहले तुमसे अकेले चुपके से आई लव यू कह दूंगी। क्यों? ए, ये चूरा नहीं मंजन है। मंजन कहते हो इसे? और क्या, फिलहाल यही टूथ पाउडर है। तो फिर ब्रश? ये रहा ब्रश। ये है? प्रभु, ऐसा ब्रश कभी यूज नहीं किया मैंने। तुम मांझते ना। ए, तुम मत हिलाओ, मैं हिलाता हूँ।
अब इस तरह। ओ माँ, मेरा ब्रश, मेरा ब्रश, ओ फो काट लिया। जल्दी नहाकर बाहर आओ, नाट्यांजलि का टाइम हो रहा है। मुझे शर्म आ रही है प्रभु। यहाँ कोई भी नहीं है, देखो मैं भी इस तरफ घूमकर बैठा हुआ हूँ, तो शर्म किस लिए? वो चिड़िया मुझे टुकुर टुकुर देख रही है, पता है? वो चिड़िया आंखों से अंधी है, तुम जल्दी डुबकी लगाओ। फिर वही मजाक, बाथरूम में नहाने की आदत जो है ना, खुल्लम खुल्ला नहाते हुए शर्म आती है। एक काम करो, तुम डुबकी लगाकर दस्तक गिनो, फिर बाहर आकर देखो। हेलो, मैं बद्री बोल रहा हूँ। क्या हुआ, निकाल दिया? मुझसे नहीं होगा, कार एक्सीडेंट में पैर टूट गया। तो फिर श्रुति, आप ही को कुछ करना होगा। ओह शिट। ऑल ऑफ यू गेट ऑन। वो देखो श्रुति। हाय श्रुति। ए श्रुति, तुम तो नहीं आने वाली थी, फिर कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। ए मीना, तेरे पास कोई स्पेयर ड्रेस है तो मुझे देना। अंदर चल, देती हूँ। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? हेलो प्रभु, जू जू। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। यस। चिदंबरम में होने वाले नाट्यांजलि समारोह के मंडप में टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, समारोह के शुरू होते ही बम फूटेगा, कुछ कीजिए। आप कौन है? मैं कोई भी हूं, आपको कोई मतलब नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है।
सर, मैं कमांडो अजय बोल रहा हूँ। बम को डिफ्यूज कर दिया है। श्रुति सही सलामत है। फौरन उस हेलीकॉप्टर से यहाँ ले आओ। यस सर। उन दोनों लड़कों को छोड़ दो। सर, बेकार की पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे। पहले श्रुति को लेकर यहाँ आ जाओ। मुर्गी के अंडे में से कौवे का बच्चा। भैया हुक कहाँ है? क्या पेपर पे रखा था ना वो? मैं आया, पेपर को उठाया, झटका आया, हंसने लगा। तुम बहुत बिगड़ गए भैया। तुम्हें किसने 92 पे रखा? स्टेशन जाके पड़े रहना चाहिए था ना। तुम्हें पेपर उठाने के लिए किसने कहा? ढूंढो कुर्सी। मैं तमाशा। पैर उठाओ। एक छोटे से हुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट हुक है भैया, किसी की यादगार समझ के रखा था। ओ, शाही खानदान का हुक है। उठाया, झटकाया। ए भाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कचरे की लॉरी में जितने भी इंपॉर्टेंट हुक थे सब ले आया हूं। इनमें से तो अपना शाही खानदानी हुक खुद ही पहचान ले। नो नो नेक्स्ट। या यही है भैया। जू जू, तूने इसे बचाना कैसे? उस दिन वो ऑरेंज कलर का ही ब्लाउज पहने हुए थी। प्यार के संगीत में मोहिनी।
सुरागनी प्यार से जो भी लिख दिया मेरे वास्ते है काव्य के समान दिल रुबा ने प्यार से जो भी दे दिया मेरे वास्ते प्रसाद के समान फूल माला दो रुपया तेरे जुल्फ में सजाओ फूल सा रुपया जो मिठाई एक रुपया तुमने मुंह लगा के मुझको दी तो लाख रुपया प्रेमिका को तीर्थ मानो प्यार को भी स्वर्ग जानो प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी देखता नहीं कालू राम भी है ठीक प्यार में प्रेम ज्योति ना बुझेगी आज हम तुम कुछ तो प्रेम कर ले यहाँ मान अपमान तो कुछ भी नहीं ये हकीकत दुनिया समझती नहीं बदले ये जमीन आसमां पर चाहते नहीं बदले ले जा मजनू प्यार की उदास पूछे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा छोटा सा मेडिकल चेकअप कर लूं। आई एम ऑल राइट डॉक्टर अच्छी तो हूँ फिर भी अपने पिताजी का मन रखने के लिए करवा लो ओके प्लीज वैसलीन दो ये आप क्या कर रही हैं चेकअप कैसा चेकअप श्रुति आई नो यू आर अ वेरी गुड गर्ल बी स्पोर्टिव तुम्हारा कुंवारापन सुरक्षित है या नहीं तुम्हारे पिताजी ये जानना चाहते हैं डैडी! श्रुति, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने इनसे कोऑपरेट करो माय फुट मैंने नहीं तमाशा बना रखा है आपने क्या करो से पहुंच जाइए कमबख्त राजपूत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद शोर मचाती है गौर से सुनो तुम किसी रास्ते पर पड़े हुए भिखारी की बेटी नहीं जो कहीं भी भटकती फिरो एक राजा के खानदान में जन्मी फूलों की तरह पली इस रणजीत सिंह की बेटी हो हम राजपूतों के लिए आन बान और शान जान से भी ज्यादा प्यारी है अपने खानदान की आबरू के लिए हम जान दे भी सकते हैं
और जान ले भी सकते हैं। पिताजी मुझसे कोई भूल नहीं हुई, मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? मेरी रगों में भी आप ही का खून है, प्लीज बिलीव मी। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी उम्र पे नहीं। तुम्हारा कुंवारापन सलामत है, मुझे इसी वक्त जानना है। डॉक्टर गो अहेड। अपने पिताजी का कहना मान लो श्रुति। लो, कर लो चेकअप। राम भरोसे हिंदू होटल शैतानपुर। क्यों भाई, तुम लोगों को शरारत करने को पोस्टल डिपार्टमेंट ही मिला? शैतानपुर नाम का कोई गांव कहीं भी है क्या? लो, तुमने जो लेटर भेजा वो तुम्हारे पास ही वापस आ गया है। इस लेटर को मैंने पोस्ट नहीं किया। देखो भाई, फ्रॉम एड्रेस में प्रभु चेयरमैन लिखा हुआ है। प्रभु तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। पकड़ो। पता नहीं क्या क्या खुराफातें सुनती रहती है। हेलो प्रभु, मैं श्रुति। तुम अच्छे हो ना? लेकिन मेरा हाल अच्छा नहीं है प्रभु। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अकेले में बात करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। इतवार को पिताजी शहर में नहीं रहेंगे। मैं किसी भी बहाने से 4 बजे नेहरू स्टेडियम में आ जाऊंगी। तुम भी वहां आ जाना प्लीज प्रभु, प्लीज। मुझसे ब्याह करोगे प्रभु? बोलो, शादी करोगे मुझसे? ए, ये क्या बोल रही हो? आई लव यू सुनने से एक मर्द को कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी अभी तक तुमको दिए बगैर एक औरत होने के बावजूद बिना शर्म के शादी का प्रस्ताव रख रही हूँ। सॉरी सॉरी प्रभु, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्यों श्रुति, आखिर हुआ क्या? वर्जिनिटी टेस्ट। तुम्हारे साथ मैंने एक रात गुजारी, इसलिए मैं खराब हो गई सोच के डॉक्टर से चेकअप करवा दिया पिताजी ने। सोने चांदी का उनका वो राजमहल, उन्हीं को मुबारक। मेरा दम घुटता है वहाँ। मैं वहाँ नहीं रहूंगी। यही बात तुमसे मिलने से पहले अगर होती तो शायद मैं मर जाती। अब तो मैं मरना भी नहीं चाहती प्रभु, प्लीज। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम नो, अभी यही इसी वक्त मेरी मांग भर दो। श्रुति, जोश में मत आओ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। शांत हो जाओ। गुस्सा हो या खुशी हो, आवेश हो या दुख हो, अपनी भावनाओं को 5 मिनट तक रोको। शांति मिलेगी तभी ठंडे दिमाग से तुम फैसला ले पाओगी। शांत होकर तुम जो भी बोलोगी वो बात मानूंगा मैं। 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट। Yeah!
भास्कर। हाँ अंकल। प्रभु को कहीं देखा तुमने? नहीं तो। काशीनाथ बारिश में कहाँ जा रहे हो? दो दिन से मेरा भाई घर नहीं आया, मुझे बताया बिना वो कहीं नहीं जाता। जब भी वो घर नहीं आता तो फोन जरूर करता है, भगवान न करे वो किसी मुसीबत में हो। ये बात है? हाँ भाई। इस तरह तुम अकेले कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कल सुबह अपने डिपार्टमेंट में खबर कर दो। अच्छा मैं चलूँ? ठीक है। कहाँ गया होगा? नमस्ते भास्कर साहब। तू नहीं बम रखा था ना? बोल नाम क्या है? प्रभु। काम करता है देश भर में आतंक फैलाने का, और नाम तो देखो प्रभु। बोल कहाँ बम रखा, क्यों रखा, कौन है बे? दाऊद का आदमी है साहब। साला जितना भी मारो मुंह नहीं खोलेगा, प्रभु खोलेगा। बोल कहाँ रखा है बम, क्यों रखा, तू कौन है? जिसके लिए तू ये काम कर रहा है वो कौन है, कहाँ रहता है? बोल, एक मिनट का टाइम है, उगलना शुरू कर। क्या लाया रे? बर्फ है सर। इस मुन्ने को खिलाया? बोले तो खिला दूं। ये खाने का इस नहीं, लगाने का है। डर लग रहा है क्या? बोल बोल ना, बोल रे प्रभु। मैंने कहीं बम नहीं रखा था, किसी को मारा है। तूने क्या गुनाह किया है, कैसा गुनाह किया है सब जानती हूँ, आगे कभी ऐसा काम नहीं करेगा। बोल, तुझे छोड़ दूंगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ए, इसे आइस लाके लगा दो पहले। प्रभु खाया नहीं अभी तक? टाइम टाइम पे खाना चाहिए मुन्ना, तभी तो मार खा पाएगा। खा, अरे खा ना, देखो तो खाने में क्या है। अरे रे नॉन वेज खाता तो है ना, खा मुन्ना। क्यों रे, पर निकले हैं तो इसका ये मतलब है कि जहां जी चाहे उड़ता फिरे हैं? अब देख घर काटने का आर्डर मिला है, खा खा रे। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, खा ना। मेरी बात मान ले बेटी, मैं नहीं खाऊंगी। वहां प्रभु खाली पेट तड़प रहा है तो मैं किसे खाऊं? प्रभु प्रभु प्रभु, खबरदार उसका नाम लिया तो। जरा सा खा ले, खा ले, खा ले ना बेटी, खा। एक थप्पड़ मारोगी तो अपने आप खाएगी। चुपचाप खाती है कि नहीं? ए, खा, खाना, खा लेना। ची ची ची, इसे भी खाते हो? एक बार आई लव यू कहो तो इसे बिना पकाए कच्चा ही खा जाओ। तुम चाहती हो मैं खाऊं, यही ना? क्यों रे चिकने,
मच्छर काट रहे हैं, चल मेरे कमरे में। ओहो, बगैर कपड़ों के ऐसे ही बैठा है। अरे सुनो, इसके कपड़े कहाँ हैं? धोने के लिए दिए हैं साहब। धोने के लिए दिए हैं, इसको कुछ पहना दो और मेरे कमरे में ले आओ। अच्छा साहब। सुन यार मेरे, सुनी सुनी रात में, जब तू न मिला हमने बदली करवटें। मुखौड़े काटते हैं तो निकाल दे, नहीं तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही इसमें कह दे। रंजीत सिंह की बेटी के दिल में बम छोड़ना जुर्म था, उस पर नजर डालना पाप था, उसे प्यार करना गुनाह था। आइंदा कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें बोल, मैं तुझे छोड़ दूंगी। बोल बोल रे, बोल रे प्रभु। I love you, Linda! चली आओ, तुम मारती हो कि नहीं? काशीनाथ, फैक्ट्री गेट पे खड़े होने लायक लोग पुलिस में आके भर्ती हो जाते हैं, किसी को भी खड़ताल ठोकना नहीं आता। तुम पुराने आदमी हो, जरा खड़ताल ठोक दो। ठीक है जी। बम रख के मुंह ही नहीं खोल रहा है, थोड़ा खुलवाओ तो सही। तुम्हारा भाई लापता हो गया था, मिला? नहीं जी। क्यों, ढूंढा नहीं? सब जगह ढूंढ लिया उसे। किसी बड़ी जगह पर हाथ मारा होगा। जी। ये सब काम करना भूल है, समझाया क्यों नहीं तुमने उसे? हाँ मिला तो समझाऊंगा। समझाओ।
प्रभु मुन्ना तुझे मार रहा था। हे भगवान तुझे मार, इन हाथों से अपने ही बच्चे को, ये क्या किया मैंने? छोड़ दो मुन्ना, हमें ये सब नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार प्यार सब भूल जाओ, छोड़ दो मुन्ना, छोड़ दो, ये मेरे लिए छोड़ दो मुन्ना। सिखाने वाले तो तुम ही थे भैया। हाँ मुन्ना, मैंने ही सिखाया, लेकिन अब मेरे लिए तू ही सब कुछ है। मेरे लिए श्रुति सब कुछ है भैया। तुझे ये लोग मार डालेंगे मुन्ना, मार डालेंगे, तू सह नहीं पाएगा, नहीं सह पाएगा मेरे लाल, नहीं सह पाएगा। सह लूंगा भैया, तुमने बताया था ना प्यार में सब कुछ सहने की ताकत है। काशीनाथ तुम जाओ। मैडम प्लीज। इसे जीप में डालो। नमस्ते तिवारी जी, क्या हाल है? नमस्ते रंजीत सिंह जी। एक्सक्यूज मी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मंगल, आप ही सच्चिदानंद स्वामी है ना? हाँ पुत्री। मैं रंजीत सिंह की बेटी श्रुति, बाबू दीजिएगा। सौभाग्यवती भव। बम्बई से आया मेरा दूध, दोस्तों सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दूध। प्लीज चल फट साले। दिन से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। Excuse me, study please. इधर आ। ए श्रुति, ये सब क्या है? कम से कम अपने पिताजी का तो ख्याल करो। दुनिया के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाती हो। कुछ भी हो अंदर चलकर बात करके, चलो चलो चलो। छोड़ो मुझे। कभी प्यार किया है तूने? प्यार क्या है जानती है तू? ए, तू बोल, कभी अपने पति से प्यार किया होगा तूने? बढ़िया इज्जत की ठेकेदारनियां, संभाल के रखो अपनी इज्जत को। ठीक, तुम लोगों ने बंद क्यों कर दिया? ए बाजे वाले, पट्टी रैप बजाना। पट्टी रैप? यस, पट्टी रैप। चुना भट्टी चुपड़ पट्टी रकम पट्टी पट्टी रैप। मेरे लिए जन्म है मेरा ही है वो, आएगा जरूर उसका रास्ता देखो। आएगा वो, आएगा वो, आएगा जरूर। लुट गए हाय राम मेरे कैंपसूर पटिराज। सॉरी फॉर द ब्रेक। श्रुति क्या है बुड्ढे? अंदर जाओ। प्रभु को बाहर लाओ, मैं अंदर जाऊंगी। चुपचाप अंदर नहीं गई तो जान निकाल दूंगा। मुझ पे हाथ उठाया तो मैं अपने पूरे कपड़े उतार कर दुनिया को दिखाऊंगी। 71 के वार में जब मैं ढाका में था तो आपको पता है। Are you प्रभु? Yes. I love प्रभु। Oh my God. छुट्टी। ये सब क्या हो रहा है रंजीत सिंह जी? कौन है ये प्रभु? जिसे छुड़ाने के लिए विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, क्या वही प्रभु है ये? No, no. Yes. वही प्रभु। He is my love. मेरा आशिक। छुट्टी। मैं जो कहता हूँ मानोगे कि नहीं? बोलो, जाओ इधर। प्रभु को रिहा कर दो, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जहां भी भेजोगे मैं जाऊंगी। अजय सर, उनसे बोलो कि उसे छोड़ दें।
बहुत मारा उन लोगों ने। श्रुति कैसे है भैया? तुझे कुछ खाने को दिया? तुम श्रुति से मिले कि नहीं? हे भगवान, हम घर चले गए मुन्ना। श्रुति के घर? अब तू उसे कभी मिल नहीं पाएगा प्रभु। क्यों भैया? अब श्रुति को आंध्रा में उसके दादाजी के पास भेजकर ही तुझे छोड़ा है। चार दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, मुस्कुराती तक नहीं। तो क्या करें? चलो एक काम करते हैं। क्या? इससे ठीक करूं? मारोगे? मुंह तो देखो। अरे हंस रहे हो, फिर एक बार हंसो जी। ओहो, आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया। चलो आए हैं, आए हैं हनुमान जी, आए हैं राम का संदेशा। यहाँ पे मेरे होते हुए तेरा श्री राम तुझसे कैसे मिलेगा देखती हूँ। वो यहाँ आ गया तो मैं उससे लव करूंगी। कोई फायदा नहीं, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ।
मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। राम के आते ही मुझे जगा दो, ओके? माँ सीता, माँ सीता, तुम कैसी हो? फिक्र मत करो माता, तुम्हारा राम जरूर आ जाएगा। इसे राम की निशानी समझ लो। लो, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? हस्ती हस्ती भगवान। माता, तुम्हारी निशानी के तौर पे चूड़ामणि दे देना, वो मैं राम को दूंगा। यही तुम्हारी चूड़ामणि है? हस्ती हस्ती रामया बसावया, रामया बसावया, रामया बसावया, रामया बसावया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रामया बसावया। मोती, अरे अरे मोती ले गया, मोती, अरे तेरा चूड़ामणि मोती ले गया। दादाजी, मेरा ताज महल के नहीं दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जाओ ताज महल में ना, मुंह नहीं दिखाना, जाओ। अरे अरे मोती रुक जा, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ। रुक जा मोती, रुक जा ना मेरे बाप। अरे वहाँ जा रहे हैं वो। ए प्रभु, तार पल्ली गांव तो आ गया, किसी को भी पता नहीं कि श्रुति फार्म कहाँ है। अरे हमारी बोली ये लोग नहीं समझते, इनकी बोली हम नहीं समझते। यहाँ पास वाले टाउन का चौक बाजार बड़ा मशहूर है, रात को वहाँ जाके जोरदार सर्विसिंग करा लेते तो मजा आ जाएगा। कल सुबह इत्मीनान से श्रुति को ढूंढ लेंगे। हैं ए, वसंत है? वो देख श्रुति के कपड़े। ए भैया लू, बोट को रोक लू। अरे भाई हल्लू हल्लू, अरे इसे मत हिलाओ, अरे मुझे तैरना नहीं आता। सुनो ये ड्रेस किसकी है? आड़वालू। अरे इससे तू ही पूछ यार। देवी जी, ये ड्रेस लू किसके लू? किसका? मर गया क्यों रे, तू तो बच गया पर ये मुझे किस करने वाली है? इसे किस करूंगा तो मेरा क्या होगा, तू ही कुछ कर। बहन जी, इस गांव में फोन किसके घर में है? बोना। हाँ, फोन फोन बोन चले दा। हाँ, पाप साथ में फोन लाई है क्या? बोन चले। क्यों रे, फोन पूछा तो भोजन दे रही है। कोई बात नहीं, मैं भोजन करता हूँ तो इससे बात कर। श्रुति को ढूंढने के बजाय तू खाना खाने बैठ गया। देख प्यारे, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं, जो भी हो कपड़ों के सूखते ही ये धोबन उन्हें लेकर श्रुति के घर तो जाएगी, तब तक हम धूप में ही सूखते हैं। मोती वो देखो ताजमहल। राम है, अपनी सीता का राम है। बेटे तुम राम ही हो ना? प्रभु प्रभु हो ना तुम? श्रुति को ढूंढने आए हो ना? बेटे बड़ी खुशी हुई, मैं श्रुति का दादा हूँ, ये दादी। क्यों रे प्रभु, यही है रणजीत सिंह के बाबा, पागल लगते हैं सबके सब। बच्चू तुम्हारी बात का हम बुरा नहीं मानेंगे। प्रभु श्रुति तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारी याद में बेचारी तड़प रही है मालूम है। उसका दिल बहलाने के लिए हमको ये सब करना। अरे वाह, दादा और दादी भी अपनी तरफ है, तब तो हम इस जंगल में मंगल कर डालेंगे। दादी गाड़ी लाई हो ना, घर चलते हैं। ये इतना आसान नहीं बेटा, बहुत से पहलवानों को पैरे पर रखा है, तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। ये रंजीत का ऑर्डर है। ऑर्डर है या वार्डर, इन्हें फौरन हमारे घर ले जाना होगा। श्रुति तेरा प्रभु आया है देख। सागर से मिलने के लिए जो प्यासी नदिया चली, प्रीतम से मिलने के लिए वैसे ही प्रिया चली। मन मंदिर के इस आंगन में जीवन की ज्योत जली, उल्फत की रोशन गलियों
गुस्सा हो या खुशी हो, आवेश हो या दुख हो, अपनी भावनाओं को 5 मिनट तक रोको। ऐसे ही लेटे रहेंगे। ए, किसी ने देखा तो समझेगा कि मैं पेट से हूँ। कितने महीने से? 9 महीने। ए, तुम क्या कर रहे हो? 9 महीने का हूँ ना, लात तो मारूंगा ही। क्यों मारा? मैं गोरी छोरी हूँ गोपाला, तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा? मुझको फंसाने आया गोपाला, मैं तो पहले से ही तेरी हूँ रे गोपाला। दिल को चुराने आया गोपाला, मैंने सीने में छुपाया है रे गोपाला। गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला, गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला। पीछे भी गोपाला आगे भी गोपाला, बस गया दिल में गोपाला। हम मुझको फंसाने आया गोपाला, मैं तो पहले से ही तेरी हूँ रे गोपाला। दिल को चुराने आया गोपाला, मैंने सीने में छुपाया है रे गोपाला। लगा के जान की मैं बाजी, तेरे लिए मैंने भी छोड़ दी ये दुनिया सारी। हाँ मेरी बाहों में आशा पूरी करने दे। आजा 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 ओ प्रीतम प्यारे आजा, कैसे भी क्या जल्दी कुछ तो अंधेरा होने दे। दिल नहीं बस में तुम मुझे आओ नजर सा, देखूं तो दिल में होती हलचल। सजना तूने क्यों कर दिया मुझको घायल, मुझको फंसाने आया गोपाला, मैं तो पहले से ही तेरी हूँ रे गोपाला। दिल को चुराने आया गोपाला, मैंने सीने में छुपाया है रे गोपाला। गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला, गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला। पीछे भी गोपाला आगे भी गोपाला, मैं गोर छोरी हूँ गोपाला, तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा? चढ़ती जवानी है रे गोपाला, तू बोले जो करूँगी मेरे गोपाला। हालत
बात है फिर किस बात की देरी, मुझको लगता है तेरी बारात आ गई है, मुझको लगता है मिलन की रात आ गई है। सजना होने दे अब तो अपना संगम, सजनी बजने दे प्यार की मीठी सरगम, मुझको फंसाने आया गोपाला मैं तो पहले से ही तेरी हूँ रे गोपाला, दिल को चुराने आया गोपाला मैंने सीने में छुपाया है रे गोपाला, गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला, गोपाला गोपाला बोलो प्यारे गोपाला, पीछे भी गोपाला आगे भी गोपाला फंस गया दिल में गोपाला, अब मैं गोर छोड़ रही हूँ गोपाला तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा, चढ़ती जवानी है रे गोपाला तू बोले जो करूंगी मेरे गोपाला, मैं गोरी छोरी हूँ गोपाला तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा, चढ़ती जवानी है रे गोपाला तू बोले जो करूंगी मेरे गोपाला। सब खुशी खुशी घूम के आओ। क्यों रे तू किला देखने नहीं चलेगा? नो ग्रैंडमा मैं चौक बाजार होऊंगा। चौक बाजार इसलिए सर्विसिंग मैं भी चलूंगा। तुम क्यों जाओगे जी? बाबा वो ओवरहॉलिंग ओवरहॉलिंग मैं कराऊंगी। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। बाय बाय। ये मंदिर, पास वाली झील, किला, खंडर सब हमारे खानदान की जायदाद है। अंग्रेजों की हुकूमत के बाद सरकार ने ये सब कुछ हड़प लिया। प्रभु हमारी शादी, श्रुति के पिता की शादी यहीं पे हुई थी। तुम दोनों की भी शादी यहीं हो जाए, जिंदगी भर हंसी खुशी से रहो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। हाँ ठीक कहा। ये मामूली शेर नहीं है, इसके मुंह में हाथ डाल के किसी ने झूठ बोला तो काट डालेगा। हाँ, पास में कोई दूध पीता बच्चा है तो ढूंढ लो, शायद वही मानेगा। प्रभु श्रुति ने जो कहा वो सच है बेटा, उस जमाने के राजा महाराजा इसी शेर के जरिए झूठ बोलने वाले को पकड़ते थे, अगर इस शेर ने काट लिया तो उन्हें सजा मिलती थी। अच्छा आजमा लेते हैं। रखो तो सही। मैं श्रुति से प्यार नहीं करता हूँ, सचमुच प्यार नहीं करता, इससे भला कौन पागल प्यार करेगा। हट्टी कट्टी गोल मटोल जैसी लगती है, सोचा टाइम पास के लिए कोई बुरी नहीं है तो प्यार का ड्रामा किया खाली। मैं श्रुति से प्यार करता हूँ, कसम से प्यार करता हूँ, मैंने जो कहा सब झूठ है, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे। प्रभु तो ये तुम्हारी करतूत है? क्यों जी? तो तुम्ही ने दुम उठा के मुंह बंद कर दिया था? वो दोनों बहुत घबरा गए थे। तो क्या हुआ, दुनिया ने इन बच्चों पर बहुत सितम ढाए और तेरे बेटे ने भी, उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं, तो इस चाहत की बुनियाद भरोसा है, उस भरोसे पर इस शेर की वजह से कोई आंच ना है, इसलिए मैंने ये काम किया। वाह वाह वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। ए, क्या हुआ? फिर कभी ऐसा मजाक मत करना प्रभु, मैं उसे सह नहीं सकूंगी। मैं झूठ बोल रहा था, तुमको तो पता है ना। मेरा जी घबरा रहा है प्रभु, हमारी शादी होगी ना? जरूर होगी। कैसे प्रभु, हम कहीं भाग चलेंगे? नहीं श्रुति, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमें भागने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, उनसे मैं तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारा हाथ किसी न किसी को तो सौंपेंगे, वो मैं क्यों नहीं हो सकता ये पूछूंगा। क्यों, उनका दामाद इंजीनियर होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए, मैं भी बनूंगा, दौलतमंद होना चाहिए, मैं बन के दिखाऊंगा। मुमकिन है प्रभु? अगर मेरे साथ तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है श्रुति। तू कब आया? अंदर आ।
कौन है वो? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। छोटी मालकिन को फिल्म दिखाने आए हैं। फिल्म दिखाता है? उड़ गया, उड़ गया। अरे चल, पांच मिनट बाहर जा, पूरे का पूरा उड़ा कर दिखा दूंगा। अरे चल। मिसेस बादशाह, कौन हो? गुलाम। अब पैर कैसा है? ठीक हो गया है। सब तैयार है? तैयार है। इस बार चिदंबरम की तरफ फेल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेटी की वजह से उस वक्त मैं फेल हुआ था। अब ये सब बातें मत करो। करूंगा, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम समझते हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ सही सलामत है? यू आर रॉन्ग। वो लड़का इस वक्त यहाँ है और श्रुति के साथ 24 घंटे गुलचर उड़ा रहा है। उसे मार डालो। क्यों अभी तक छोड़ा हुआ है? मार डालो उसे। यूं ही मारा तो मुफ्त के खाते में जाएगा। तुम्हारे कहने से मारा तो मीटर चढ़ेगा। चढ़ाता हूं। आपके कहने के मुताबिक यहीं पर मैंने बम रखा है। बहुत मजबूत पत्थरों की इमारत है, सीमेंट बिल्डिंग नहीं, ये मत भूलना। गुड, अब फूटेगा। माय गॉड, ये जनरल हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है। कहाँ है वो? कौन? दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला तो भर्ती का नाम दाढ़ी फिल्म का प्रिंट लेने के लिए गया हुआ है। Yeah.
स्पॉट। बेवकूफ बेवकूफ, बेशर्म होके बोल रहे हो कि सब ले गया। मुस्तरी दिखाने के लिए फार्म हाउस में जगह दी थी मैंने, ऊपर से पहरेदार थे वहां, डूब मरना चाहिए तुम्हें। वो किसी के हाथों में लग गया तो क्या होगा जानते हो? मुझे कोई फिक्र नहीं, फंसने वाले तो तुम हो। मैं तो ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि तुम जैसे आतंकवादी को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। पता है मैं क्या करूंगा? तुम्हारा भी पिंडदान। सारी दुनिया का पिंडदान करने वाले तुम, एक दिन मेरा भी पिंडदान करोगे ये मैं जानता था। इसी वजह से हमारे सारे प्लानिंग और बातचीत वीडियो में रिकॉर्ड करके रखा था। उसके एसेट को भी वो ले गए। अब एक साथ हम दोनों का वो पिंडदान करेगा, वो भी कश्मीर नहीं गटर में। ये क्या बम पर बम छोड़ रहे हो? मेरा धंधा जो है। बद्री वाकई तुम अकलमंद हो। तुम भी अकलमंद हो, मैं भी अकलमंद हूं। हम दोनों अकलमंदों को कोई तीसरा बेवकूफ न बनाए। तुम ही तरकीब बताओ। मेरे ही इलाके में उसे पकड़ना चाहा लेकिन बच निकला। ये तुम्हारा इलाका है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करो। दूर गांव की नदी में जो कूदा वो अब तक शहर नहीं पहुंचा होगा। उसका इस शहर में पहुंचने का मतलब है हम दोनों की मौत। वो यहां पहुंचे उससे पहले उसे पकड़ना होगा। ये लो पिंड। सारी गाड़ियों को ठीक से चेक करो। गाड़ी चाहे किसी की भी हो बगैर चेकिंग छोड़ना नहीं। जाओ उधर जाओ। यस सर। यह प्रभु का दोस्त वसंत, गुड्स ट्रेन में छुपा हुआ था। इसके ब्रीफकेस में से कैमरा कैसेट सब मिल गए सर। ब्रिंग हिम इन। बद्री, यही कैसेट है ना? फिलहाल इन्हें बंद कर दो, बाद में पुलिस को सौंप। चल 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 चल। यह कहानी तो खत्म हो गई, अब आगे की सोचो। कब रख रहे? आज ही। कहाँ? जनरल हॉस्पिटल में। फूल, आज मैं वहां जाने वाला हूँ। जानता हूँ, वहां पे इलाज कराने वाले नेता प्रताप राय को देखने के लिए 11:30 बजे आप वहां जाने वाले हैं। हॉस्पिटल से आपके लौटने के बाद ठीक 12 बजे बम फटेगा, तभी तो आप पर शक नहीं होगा। वेरी गुड। बम को रखने के बाद मुझे बता दो, टेलीफोन से पुराने वायरलेस से बात मत करो, मुमकिन है कोई सुन ले। ये लो, ये स्क्रैम्बलर है। हम दोनों के सिवा कोई नहीं सुन सकता। पुलिस के हवाले किया तो ये दोनों हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जहां बम फटेगा वहां इन्हें छोड़ दो, कुत्तों की मौत मारेंगे। मुझे दे माचिस का है, दे हाथ बड़ा। छोड़ दिया भाई, ये लगता है कोई हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? ये जनरल हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है। माय गॉड। हेलो, मैं बद्री बोल रहा हूँ। बम रख दिया? रख दिया। कब फूटेगा? 12 बजे।
जरूर फूटेगा ना। ये बद्री कारीगर है, इसीलिए मुझे ही कारीगरी दिखा रहा था। क्या मतलब? कुछ भी नहीं, भगवान को याद करना है तो कर लो। देखो भाई, अंदर प्रताप राज जी हैं, उनसे मिलने के लिए रंजीत सिंह जी आने वाले हैं, किसी को भी अंदर नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग जाओ, कहाँ ना जाने के लिए, चलो चलो। समझते क्यों नहीं, सबकी जान खतरे में, मुझे अंदर जाने दो। जाने दो मुझे। कौन हो तुम लोग? प्रभु भैया, तू अब तक कहाँ था? भैया वो सब बाद में, पहले मेरे साथ चलो। मैं चलो मेरे साथ। अरे रुकना, ऐसी भी क्या बात है भैया? इस हॉस्पिटल में कहीं बॉम्ब रखा हुआ है। बॉम्ब रखा हुआ है? तू सच बोल रहा है? ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। चलो अपने पुलिस वालों को ला, सब जगह ढूंढ लेंगे। अरे सुन 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 सुन, यहाँ 4000 मरीज है, 100 वार्ड, तुम दो लड़के, 12 पुलिस वाले, हम क्या कर पाएंगे भला? बसंत, तू फौरन पास वाले मेडिकल कॉलेज में जा, चेयरमैन से बात कर, सारे स्टूडेंट्स को बुला के ला, वहाँ से दूसरे कॉलेज को भी फोन कर, पूरे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर। बम कभी भी फूट सकता है, उसके पहले यहाँ से सारे मरीजों को हमें बाहर ले जाना होगा। राजा साहब हैं? स्पीकिंग। मैं प्रताप राज जी का पीए फ्रांसिस बोल रहा हूँ। गॉन। मुझे अभी पता चला है कि 11:30 बजे स्पेशल चेकअप के लिए डॉक्टर्स आने वाले हैं। आपके प्रोग्राम को 12 बजे तक पोस्टपोन करना पड़े तो? 12 बजे? नो नो इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी, 12 बजे आना मुश्किल है, चाहो तो जल्दी आ सकता हूँ। कितने बजे सर? 11 बजे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रंजीत सिंह, जिंदा तू बाहर नहीं जा पाएगा। प्लीज 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 डोंट ट्रबल योरसेल्फ, प्लीज। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? ठीक हो जाऊंगा कहते हैं। Hey!
मिनट बाकी है। नो जल्दी कर, हो गया सर, बॉम्ब फूटने वाला है। कम ऑन, जल्दी जल्दी, बस हो गया सर। पहले तुम निकलो। बदले ये जमीन आसमां पर चाहते नहीं बदले, ले जा मजनू प्यार की वो।